हमारी पोस्टों को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा घंटी को भी रिंग कीजिए ताकि नई पोस्टों की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। जनवरी 2019 में तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना और सरस्वती के तट पर हर 12 साल पश्चात पड़ने वाला कुंभ पर्व मनाया जाएगा। योगी प्रशासन देश भर में श्रद्धालुओं को प्रयाग की पावन धरती पर विज्ञापन के जरिए आमंत्रित कर रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी विदेशी दौरों के दौरान विदेशी अतिथियों को प्रयाग आने का आमंत्रण दिया हुआ है। इस कुंभ के आयोजन के लिए योगी प्रशासन शहर में तैयारी भी कर रहा है, परंतु खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि यह तैयारी अभी अधूरी और धीमी गति से चल रही है। बुधवार को जब इलाहाबाद को भारी वर्षा का सामना करना पड़ा था तो जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम ने तैयारी की पोल खोल कर रख दिया। हमने यहाँ कीटगंज नेतानगर में हुए जलभराव का दृश्य आपको दिखाया है। कमोबेश यही स्थिति पूरे शहर के निचले इलाकों की थी। सड़कों पर इस दौरान जलभराव के कारण भारी जाम लगा था। कीटगंज, बाइकाबाग, रामबाग, शाहगंज, लीडर रोड में जाम काफ़ी बड़ा था जो घंटों तक रहा। इसके कारण लोगों को अपने घरों और यात्रा के लिए स्टेशन जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको इस पोस्ट की दी गई जानकारी कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और योगी प्रशासन को बताइएगा कि प्रयाग की धरती पर होने वाले कुंभ को पूरा करने के लिए वो तेज़ी से काम करें। सादर।